हेलो नूबर्स एंड मेडिकोस के स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हुए TNC ESPORTS के द्वारा प्रेजेंट किए गए बर्नआउट 4.0 पावर्ड बाय BMC वडोदरा में। सो आज के हमारे सेमीफाइनल्स के डे टू के हमारे सेकंड मैच की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एरेंगल वाला मैप है। सो यहाँ पर टोटल 17 टीम ज्वाइन कर चुके हैं, टोटल 68 प्लेयर्स अलग है। सो सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं आपका TNC मामा पे विद TNC टॉक्स जो हमको कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे, तो उसके साथ फिलहाल आज के कास्टिंग को कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले नजर डालते हैं प्लेन पाथ की तरफ। प्लेन पाथ देखने को मिल रहा है शिवरनिश होते हुए नौ रेप्टोर तक बढ़ते हुए। यहाँ पे मतलब अर्ली ड्रॉप्स में देखने को मिल रहा है ऑलरेडी टीम एजेंट एंड एज वेल एज टीम द लास्ट आर्मी एंड ऑफकोर्स यहाँ पे टीम लोकी की स्क्वाड भी मेरे को अर्ली ड्रॉप पे जाते हुए देखने मिल रही है। यहाँ पे चेकआउट करते हैं कहाँ पे लूट वगैरह कंटिन्यू करेंगे। एंड एज वेल एज उनके ड्रॉप लोकेशन क्लैश होते हुए देखने को मिल रहा है क्या? जी हाँ, शायद से ड्रॉप लोकेशन क्लैश होते हुए शायद से देखने को मिलेगा। लेकिन जी ने टीम एजेंट के बाकी मेम्बर्स काफ़ी ज़्यादा दूर उतर चुके हैं और डेडमैन भी सेम पाथ पे जाते हुए देखने मिल रहा है। और हमें द लास्ट आर्मी के साथ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये टीम बॉट ऑफ KMCR की स्क्वाड भी दोनों के दोनों स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा क्लोज जा रहे। तो ये तो छोटे छोटे रोटेशंस की बात करें, लेकिन अभी असली फाइट कहाँ पे हो रहा है वो चेकआउट कर लेते हैं। टीम प्लेस को यशनाए में देखने को मिल रही है। एंड एज विटामिन की स्क्वाड भी यशनाए के सी बिल्डिंग की तरफ उतर चुके हैं। तो कोचिंग के एंड रोसो के स्कूल के अंदर मेरे को किसी भी तरह का मूवमेंट देखने को ज़्यादा नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर टीम रीपर जो कि फिलहाल अपने आज के मैच के अंदर रोजो में ड्रॉप लोकेशन देते हैं। और यहाँ पर टीम मैडमिक्स की स्क्वाड फिलहाल अपार्टमेंट एंड स्कूल को सिक्योर करेंगे। तो यहाँ पे लूट वगैरह कंटिन्यू करते हुए मेरे को देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे चेकआउट करते हैं बाकी सारे स्क्वाड्स कहाँ पर उतर रही है। यहाँ पे टीम एलिट वॉरियर्स यहाँ पे प्रिज़म में लूट करती हुई है। फिर टीम बीएम है मिल्टा में कैपिटलाइज करते हुए एज टीम आसपता हूँ यहाँ पे मिल्टा पावर में पूरा होल्ड करते हुए देखने को मिल जा रहे। तो यहाँ पे अभी तक फिलहाल के साथ से कोई नोवर अपने जी नोवर अपने को दो स्क्वाड देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे टीम वॉर्डर एंड एज वेल एज टीम इम्यून की स्क्वाड देखने को मिले। तो आज के मैचेस के अंदर टीम IM की स्क्वाड ज्वाइन नहीं कर पा रही, पता नहीं, वी डोंट नो द रीजंस। बट उधर से अपने आप को एक तरह से फाइनल में जाने का जो एक लौता मौका था उसको भी यहाँ पे मिस आउट करते हुए। तो यहाँ पे चेकआउट करते कि अभी टीम वॉर्डर की वजह कितने जल्दी फाइट में एंगेज करते थे। यहाँ पे शैडो वगैरह लूट वगैरह कंटिन्यू करने की कोशिश पूरे से बाइजन के साथ होल्ड कर चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी लेट लूट वगैरह करते देखने मिल रहा है। और यहाँ पे इतनी अच्छी लूट वगैरह भी प्रोवाइड नहीं हो रही यहाँ पे। और हम पोरस कैसे बाइजन ने एस्टोल किया, तो यहाँ पे क्लोज रेंज का फाइट है उनको सबसे प्रेफरेबल रेक। और यहाँ पे डैडी के समय बढ़ते हैं, यहाँ पे M16 के साथ हमको DP28 का कॉम्बिनेशन देखने मिल रहा है। और रोनिन पे बनते जो कि इनके AKM एंड शॉटगन का कॉम्बिनेशन। तो टीम वॉर्डर के मेंबर्स की जरूर से देख चुके हैं और बाकी मेंबर्स का चेकआउट करते हैं। टीम इम्यून के प्लेयर्स के बस कौन कौन से वेपन्स और यहाँ पे कौन से पोजिशन पर होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे इम्यून के JP हम ऑलरेडी एक टावर में होल्ड कर चुके हैं। यहाँ पे M4 and 6 का साथ में को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जरूर से एक आध दो बंदे को नॉक एंड फिनिश आउट करने के चांसेस रहेंगे अगर ओपन में आएंगे। लेकिन अपने आप को भी थोड़ा सा सेफली टावर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी बंदे ने स्पॉट किया जी नहीं, उनको अभी तक किसी ने स्पॉट नहीं किया। और यहाँ पे सेम फिलहाल के लिए होल्ड करते हुए देखने को मिल रहा है। सुबह में यहाँ पे M4 स्कार के साथ लूट कर कंटिन्यू करते हुए गॉड बेस्ट UMP शॉट उनको साथ वो लूट करते हैं। एंड एज मैंड्रिन के साथ डबल स्नाइपर का कॉम्बिनेशन देखने मिल रहा है। आपका एक स्नाइपर और जोर से आप सुबह को दे सकते हो। लेकिन अभी JP ने शायद एक बंदे को स्पॉट आउट किया। टीम वॉर्डर के प्लेयर्स के बीच में फाइट एंगेज हुआ कि शायद से पोरस जोर से पिक देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे K9 से क्या शॉट करते हैं, चेकआउट करते हैं K9 के 6 से, लेकिन उनको स्पॉट आउट करते हैं पोरस। लेकिन पोरस की काफी बेहतरीन डैमेज हुआ, यहाँ पे बॉडी शॉट जोर से कनेक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे भले यहाँ पे पोरस के स्कारल का स्प्रे और इम्यून के JP को जोर से नॉकआउट कर दिया जाएंगे। यहाँ पे पहला नॉक आ जाएगा और यहाँ पे सिक्योर करने के लिए कोशिश करते हैं चेकआउट करते हैं। यहाँ पे जी हाँ पोरस के यहाँ पे स्कारल के 3x से, तो 3x से काफी बेहतरीन डैमेज और JP को ऑलमोस्ट फिनिश ऑफ कर चुके। लेकिन हमें उनके प्लेयर्स मैंड्रिन वगैरह ऑलरेडी आते हैं, उनको रिवाइव करते हैं। और यहाँ पे 1 HP के साथ उनका जो बेहतरीन नॉक था काफी ज्यादा उनकी तरफ से बेहतरीन टैप टैप देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे वॉर्डॉग के डैडी यहाँ पे पुशिंग करते हुए शैडो के साथ। और यहाँ पे उनके DP28 है, तो यहाँ पे क्लोज रेंज में थोड़ा सा डिसेंट से डैमेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एजेंट का गुरु का हमें नॉक कर चुके हैं 310 किट के तरफ। वहाँ पे एक फटाफट से करते हैं नो और अपने जो फाइट फटाफट करते हैं। यहाँ पे यस्ट है फाइट में एंगेज हो चुके हैं। यहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग किट ने यहाँ पे रशन करते हैं एजेंट के निंजा को स्पॉट आउट करते हैं। ऑलरेडी 1 HP करते हैं टीम एजेंट के बाकी में काफी बेहतरीन एक तरह से कवर फायर बनाने की कोशिश करें अपने प्लेयर के लिए कवर एंड एज वेल एज यहाँ पे जोर से उनके किट को जो स्पॉट आउट करते हैं। यूजी के साथ रशन करते हुए दोनों प्लेयर्स के पास अभी यूजी है, लेकिन काफी ज़्यादा डैमेज लेते हैं। लेकिन उनको थोड़ा सा सेफ खेलने की कोशिश यहाँ पे जंप डाउन करते हैं एजेंट और का उन्हें पे स्ट्रेट टू आ रही है उनको किस पड़ा कर पाते हैं जी उनको और का जो पड़ा करते हैं उनको चेस डाउन करने की कोशिश यहाँ पे 310 के लिए अपने को सेफली करने की कोशिश। लेकिन थोड़ा सा ओवर ले लेते हैं और हमें चेकआउट करते हैं एजेंट के निंजा और का उन पर रशिंग करने की कोशिश यहाँ पे एस्टोल के। लेकिन एस्टोल के क्लोज फाइट में एंगेज करते हैं चेकआउट करते हैं निंजा पे ओपन मारने की कोशिश और का जोर से एक तरह से
और क्रॉस फायर बनाने की कोशिश लेकिन एजेंट को उनको स्पॉटर कर पाते हैं, चेकआउट करते हैं 310 के किट की तरह काफी बेहतरीन मेरे को प्रोन देखने को मिल जाए और फिलहाल के अपने पोजिशन काफी बेहतरीन से हैंडल करें। अगर किसी को स्पॉटर करे तो इजी नॉकन फिनिश कर सकते हैं क्या ये किट अपने लेकर एक आध दो किट्स वगैरह सिक्योर कर पाते हैं चेकआउट करते हैं। उन्होंने एक बंदे को कुछ देर पहले नॉक जरूर सिक्योर कर लेकिन उनके ऐसे भी ईल मारने का टाइम नहीं, अगर ईल भी मारेंगे तो उनको जरूर से पता चल जाएगा यहाँ पे कोई ना कोई बंदा, लेकिन अब एजेंट को अगर जरूर से पता चल गया कि उनको जहाँ तक मेरे को लगता है उनको लग रहा है कि ये बंदा ऑलरेडी रफ चक्कर हो गया, लेकिन काफी बेहतरीन गेम सेंस को देखने 310 की किट के द्वारा और ऐसी गेम सेंस को मैं जरूर से मैं प्रेफरेबल कर रहा था। और हमें पार्क के हम जरूर स्पॉट कर चुके हैं उनके व्हीकल के यहाँ से सिक्योर करने की कोशिश के चक्कर, लेकिन हमें टीम एजेंट की प्लेयर हमें ऑलरेडी उन पर फायरिंग वगैरह कर रहे थे यहाँ पे एजेंट के आई थिंक सो एजेंट के गुरु ने शायद से फायरिंग किया था या फिर एजेंट के आरजे ने शायद एजेंट के गुरु ने शायद से फायरिंग किया था। लेकिन यहाँ पे टीम नंबर 22 जो कि सर काफ़ी ज़्यादा वाइड स्पीड में जो 310 की एकमात्र अकेले यहाँ पे पूरे के पूरे उनके बीच एजेंट के स्क्वाड के ऑपोजिट साइड में लूट वगैरह कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे एस्टेल के न्यूज है और उनके ऐसे यहाँ पे बैंडेज के होने के नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने फाइट को डिसंगेज करके काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपने पोजिशन होल्ड करने का जो डिसीजन था वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था। तो यहाँ पे टीम एजेंट के बीच फाइट वगैरह इंगेज तो नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे टीम अशुता में बढ़ते यहाँ पे जेंटा की कमी काफ़ी ज़्यादा क्लोज लूट रहे हैं। यहाँ पे मिल्टा पावर में जो स्क्वाड लूट करनी चाहिए थी फिलहाल मिल्टा की तरफ बढ़ते हुए शायद से उनके डिसीजन से लूट हो चुके हैं। छह हेल्थ किट है यहाँ पे इनके पास, फिर डीपी प्लस 4x का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, जरूर से एक स्क्वाड फाइट में एंगेज कर पाते कि नहीं चेकआउट करते। लेकिन यहाँ पे जो टीम बगल में जो टीम बीएम के स्क्वाड है जरूर से सबसे उनके भी रोटेशन आ रहा है वो भी उन्हें भी यहाँ पे फटाफट से लूट करके शायद से जी यहाँ पे लूट वगैरह कंटिन्यू कर रहे थे। यहाँ पे चारों प्लेयर्स एक एक छोटे छोटे लोकेशन में चारों प्लेयर साथ में एंगेज कर रहे थे, इसका मतलब ये है कि उनको उनके पास जो कम्युनिकेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पर वापस से बढ़ते नोवर अपने टीम वॉडॉग एंड एज वेल एज टीम इम्यून के बारे में जो बात करते हैं, इम्यून के प्लेयर को जी इम्यून को यहाँ पे रिवाइवल मिल जाएगा जेपी के दौर जेपी को यहाँ पे रिवाइवल मिल जाएगा और फिलहाल के वापस से अपने पोजीशन यहाँ पे प्रोन डाउन ओके अब स्काउट करने की कोशिश करें। अगर इस बार के स्काउट करेंगे तो डायरेक्टली से नॉक एंड फिनिश होना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे रोड को क्रॉस करना रहेगा, रोड के क्रॉस करते ही यहाँ पे जेपी के सामने एक आध दो किल्स वगैरह जरूर से सिक्योर हो सकते हैं। और यहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग इनके बाकी मेंबर्स जरूर से रोटेशन वगैरह मारने के लिए अपने ब्रिज की तरफ बढ़ चुके हैं, ऊपर से एकमात्र प्लेयर बच जाएंगे यहाँ पे उनके पास जो आउटफुट से फिलहाल के लिए जरूर से स्पॉटआउट हो रहे। लेकिन अगर मैं जरूर से इनको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसे एक तरह से प्रोन डाउन होकर आप ऐसे लेफ्ट आउट हो क्योंकि आपको पता है कि पोचिंग बीजेमआई के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्लिचेस होता है, जरूर से आपकी बॉडी वगैरह वॉल के पीछे आपको जरूर से मतलब बिना रेंडर मतलब रेंडर दिख सकती है। लेकिन फिलहाल की टीम वॉडॉग की स्क्वाड यहाँ पे अपने पोजीशंस को लेकर के अपने लिए जोन के अंदर एंट्री करने की कोशिश करी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऐसे मिलिट्री कैलेंडर के वहाँ से वो फेरी पेयर के वहाँ से रोटेशन दे सकते हैं, लेकिन हम जोन की तरफ बढ़ते जोन कहाँ पे और टीम आसोता मैंने शायद स्लाइमिन दे चुके जी हाँ टीम आसोता मैंने स्लाइमिन दे चुके हैं। टीम बीएम के स्क्वाड की तरफ यहाँ पे जेंटा की कामी काफ़ी ज़्यादा कामनेस की तरह होल्ड करते देखने मिले, यहाँ पे रोशन वगैरह देखने मिले। लेकिन यहाँ पे टीम बीएम की पूरी स्क्वाड यहाँ पे आ चुकी जी हम उनके उनकी तरह स्लाइम ना चुके और लॉर्ड कैंस वगैरह एक तरह से कवर फायर देने के लिए बढ़ चुके, लेकिन हमें जनता के काम में उनको जोर से सेफ लेना पड़ेगा और उनकी पूरी की पूरी स्क्वाड आने की वजह से हमें जनता के काम फिलहाल फॉल बैक करने की कोशिश। कैप्टन जैक्सपर की तरफ से पहला नौका जाएगा उन पर क्लफ पे और मिड मैडमैक्स की स्क्वाड पे फटाफट से बढ़ेंगे कुछ ही देर में। लेकिन ये वाली फाइट की जरूर से चेकआउट रहते हैं हमें जनता के काम करते हुए अपने पोजिशन को सिक्योर कर पाते हैं। तो वहाँ पे ऑक के अर्सल के द्वारा एक नॉक देखने को मिल चुका है, स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा मेरे को स्लोली एंड कामली शायद से प्लेयर को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पे उनको जब तक यहाँ पे बंदे स्पॉट नहीं हो रहे यहाँ पे एक तरह से दोनों आज के मैच है दो प्लेयर्स के तरफ से हमको थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा काम मेरे को डिसीजन देखने को मिल चुके हैं एक तरह से जनता के काम में एंड एज वेल एज 310 किट की तरह। तो दोनों पे काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएबल सपोर्ट रहता है और टीम बीएम यहाँ से फिलहाल के लिए अपने इस वाले पोजिशन को लीव करते हैं और हम बढ़ते फिलहाल के टीम नंबर 25 के जो कि टीम नंबर ओल्ड मॉन्क्स की स्क्वाड है। यहाँ पे फिलहाल के लिए बानास पे होल्ड कर चारों के चारों प्लेयर्स ऐसे सेम बानास पे होल्ड कर रहे हैं और यहाँ पे फिलहाल के पिछले कल के जो मैचेस हुए थे उसके अंदर भी मेरे को शायद से सेम मेरे को स्ट्रैटेजी देखने को मिले थे वो भी रेंगल वाले मैप के अंदर वो सिमिलर ऐसे सिमिलर बानास पे होल्ड करते हुए देखने को मिल चुके थे। लेकिन इस वाले मैच में अलग हो क्योंकि इस वाले मैच में यहाँ पे इन पर कोई स्क्वाड वगैरह रश नहीं करे, जब तक जोन है तब तक के लिए तो कुछ स्क्वाड वगैरह रश नहीं करे, लेकिन जोन के बनते हुए देखते हैं कि जोन काम बनता है। तो पर टीम रिवर्स फिलहाल के 6 हाउसेस पर स्काउट करने की कोशिश और यहाँ पे चेकआउट करते टीम नंबर 23 की स्क्वाड यहाँ पे जी हाँ 6 हाउसेस पे यहाँ पे टीम नंबर 23 होल्ड करे तो डबल 6 हाउसेस में यहाँ पे ब्रिज के साइड जो 6 हाउस है वहाँ पे होल्ड कर रही है और यहाँ पे टीम नंबर
टीम रिपर्स यहाँ पे जरूर से आते हुए इफ आई एम नॉट रंग वॉक कैप्चर वगैरह तो जी स्लैमिन वगैरह देने की कोशिश कर जिन्हें मैगना बैंको वगैरह से पीछे सार है लेकिन ये तीनों के तीनों प्लेयर्स हम स्काउट कर लेकिन जोकर जी जोकर एकमात्र प्लेयर आ चुके हैं अपने टीम से काफी ज्यादा अलग है और हम पे जोकर शायद से पहला नॉक वगैरह सिक्योर करने की कोशिश लेकिन लेकिन ग्रेंड्स वगैरह आ जाएंगे टीम हिटमैन की तरफ से जोकर शायद से फॉल बैक करने की कोशिश कर जी अपने प्रोन डाउन हो जाएंगे फिर से एक तरह से अपने टीम की तरफ से जब तक फोर्स नहीं आएगा तब तक के लिए यहाँ पे होल्ड करते हुए देखने मुझे और काफी बेहतरीन है और उनकी तरफ से जैसे उनको पता चले कि यहाँ पे स्क्वाड है तब तक पूरी पूरी स्क्वाड आ चुकी है और चलो फाइट में एंगेज करने कुछ देखने को मिल सकते हैं मैगना बैंको वगैरह स्पॉट आउट और है लेकिन टीम हिटमैन वगैरह से थोड़ा सा दूर है जी हाँ लेकिन जोकर को शायद से फॉल बैक करना देगा फिर टीम नंबर रिवर्स की तरफ से चारों प्लेयर्स की तरफ से एक एक किलर तो जरूर से इस वाले पिछले वाले फाइट करना जो मैड मैक्स की तरफ से हुआ था उस वाले फाइट करना चारों ने एक एक किल सिक्योर कर तो काफ़ी बेहतर तरह से कोऑर्डिनेशन देखने को मिला लेकिन टीम हिटमैन शायद से फॉल बैक हो रही है इफ़ आई एम नॉट रंग हिटमैन के रवि वगैरह जिन द कुल भाई यहाँ से निकलते हुए देखने मिला शायद से सिमिलर डिसीजन से टीम हिटमैन के पूरी पूरी स्क्वाड से देखने मिला शायद से एक तरह से अर्ली फाइट को डिसएंगेज करते हुए क्योंकि I don't know the reasons, but फिलहाल के यहाँ पे टीम रिपर जरूर से इस वाले फाइट में कैपिटलाइज करने की कोशिश करें यहाँ पे एक आधो नॉक करने की कोशिश लेकिन स्प्रे ट्रांसफर नहीं हो पाया और यहाँ पे टीम रिपर्स की तरफ से एक स्क्वाड मतलब हेलमेट ऑन से बच गए या फिर कहना चाहता टीम हिटमैन के स्क्वाड से फिलहाल के लिए फाइट एंगेज करने में सक्षम नहीं हो पाए और यहाँ पे इनके तरफ से सेम रोटेशन आ रहा है जोन की तरफ बढ़ते जोन कहाँ बच्चे जोन फिलहाल के कोचिंग की स्कूल नो रोजों को शेल्टर होकर मिलता होगा फार्म की तरह सिक्योर करने की कोशिश होती है टीम इवेंट की तरह से यहाँ पर रोटेशन आ रहा है मेरे को ब्रिज कैंप स्पॉटेड हो रहा है जी हाँ ब्रिज कैंप स्पॉटेड हो रहा है जेपी के पूरी तरह से क्या क्रॉस कर पाते हैं चेकआउट करते हैं जी हाँ क्रॉस कर चुके हैं लेकिन टीम नंबर 18 जो कि बीएम के स्पॉट में तो थोड़ा कर चुके हैं जेपी के लिए उनके बग्गी का टायर को जोर से पॉप आउट कर चुके लेकिन फिलहाल सेफली अपना को सेम क्वेश्चन में जो से लेके जा पाएंगे और उनके बाकी सारे स्कॉट्स में बाकी सारे स्कॉट में चेकआउट करते सेम पाथ आने की कोशिश गॉड बेस्ट हो गया यहाँ पे आई एम इनके इम्यून के सुपर हो गए एंड एज वेल एज मैंड्रिन वगैरह मैंड्रिन शायद से फॉल बैक करते हैं शायद से उनके यहाँ पे उन्होंने जरूर से सुना कि यहाँ पे कोई ना कोई प्लेयर तो फिलहाल के उस अपने स्कॉट के साथ एंट्री करेंगे या फिर उनके तरह से रोटेशन आएगा टीम इंटरमेंट की स्कॉट भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज है तीनों की तीन स्कॉट काफ़ी ज़्यादा क्लोज है लेकिन उनको सिर्फ बच्चे एक ही फैक्टर डिस्टेंस मेंटेन करे तो वो फैक्टर है कि जो कि प्लेज ऑन तो प्लेज ऑन अगर जैसे स्ट्रिंग होकर वैसे फाइट में एंगेज करेंगे हमको देखने मिल जाएगा बीएम के लोन वुल्फ की तरफ से शायद M24 का शॉट जिसके वजह से जेपी जोर से नॉकआउट हो जाए और एमज वगैरह उन पर चढ़ने की कोशिश यहाँ पे जी हाँ गो को जोर से जाकर उनका किल वगैरह सिक्योर करने के लिए बढ़ते हुए और जेपी का किल वगैरह शायद सिक्योर हो जाए लेकिन टीम आई एम के स्क्वाड में टीम इम्यून की पूरी पूरी स्क्वाड में आते हुए इम्यून के सुबह में जोर स्क्वाड होकर यहाँ पे गो के प्रो से यहाँ पे एकेएम के शॉट काउंट जी हाँ एकेएम के शॉट से हम करेंट नॉक इन नॉकआउट हो जाएगा सुबह फिर से अपने एक एक टैपर वगैरह देते हुए कंटिन्यू करते हुए देखने और यहाँ पे हिम्मत की तरह से वो कहना चाहता है कि यहाँ पे उनका DP28 का स्प्रे में जरा से कंट्रोल नहीं था जिसके वजह से सारे के सारे ब्लड सेक्टर से हवा में जा चुके और यहाँ पे चेकआउट होता है लोन वुल्फ की तरह से एक और बेहतरीन है कैटशॉट आते हैं और मैंड्रिन भी यहाँ पे नॉकआउट हो जाएगा फिर मुझे एक बंदे सर्वाइव कर दिया जो कि गॉड बेस्ट ऐसे अपने प्लेयर को जो सर्वाइव दिया जो कि इम्यून के सुबह थे और यहाँ पे टीम बीएम की पूरी स्क्वाड यहाँ पे रशिंग करते हैं देखिए मुझे गोकू प्रो वगैरह जी हाँ रशिंग कर चुके देखिए उनके साथ और यहाँ पे गॉड बेस्ट इस वाले फाइट को डिसएंगेज करते फिलहाल पानी में जाती है इस वाले फाइट में एंगेज नहीं करे तो ये अपने स्क्वाड के लिए बाकी तीन मेंबर्स बाकी दो मेंबर्स पिलर के हेलमेट खोजने के चक्कर में रहेंगे और जैसे मैं बोला कि गोकू प्रो ने मैंड्रिन को नॉकआउट करते और जो मुझे एक आखिरी बंदे बच जाएंगे लैंड के ऊपर जो कि इम्यून के सुबह और हम पे इम्यून के सुबह को क्या हील करने का टाइम मिलता है कि चेकआउट करते हुए फिलहाल के स्मोक का कवर था वो भी यहाँ पे जाते हुए स्मोक का जो आखिरी सेकंड के मुकाबला करें उसको से लेकर इम्यून के फिलहाल का स्पॉट वगैरह रेस करते और हम इम्यून के स्मोक का स्पॉट आउट कर चुके जी हम गोकू प्रो को जा सकते हैं 1v2 हो चुका है ऑलरेडी और बच्चे तो फिलहाल के लिए को देखने मिला पानी में निकल चुका है लेकिन यहाँ पे कब तक इतनी हद पे देखने को मिलेगा और इस वाले फाइट को डिसएंगेज करने का मतलब ये है कि एक तरह से चांसेस था कि वो एक तरह से 3v4 निकाल सके या फिर अपने लिए कम से एक आध किल्स वगैरह पॉइंट भी निकाल सके लेकिन अपने स्क्वाड को ऐसे पीछे छोड़ना है दिस इज नॉट द करेक्ट आइडिया दिस इज नॉट द गेम वी प्ले सो यहाँ पे फिलहाल के बीएम के खाते हैं टोटल 3 किल जा चुके हैं यहाँ पे चेकआउट करते हैं टीम वॉडो की तरफ से वॉडो जो कि नोवो में होते थे और हमें नोवो की तरफ से जिसने बोला कि सेम उनका रोटेशन आएगा जो कि मिलिट्री आइलैंड से होते हुए फेरी फेर के ब्रिज से निकलेंगे तो मैंने सेम प्रेडिक्ट मैंने ऑलरेडी कर चुका था पहले से तो उनका सेम रोटेशन आ रहा है वॉडो के फोरेस्ट की तरफ से यहाँ पे टीम नंबर एजेंट काफी ज्यादा क्लोज है टीम नंबर एज वेल एज टीम द लास्ट आर में भी यहीं पे 6 पे होल्ड करते हैं देखने तो 6 काफी सारे स्कॉट्स प्रीफर कर रहे हैं वो एक तरह से वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन एक अपनी पोजीशन होल्ड करने का इफ़ यू हैव इनफ फ्लोट यहाँ पे होल्ड कर सकते हो और साथ ही आपको पता है कि यहाँ पे स्क्वाड के कंटेस्ट करना एक तरह से इजी हो जाएगा जिनके पास यहाँ पे बिल्डिंग्स का होल्ड है तो यहाँ पे सेम को देखने मिल रहा है
फिलहाल का स्काउट करने की कोशिश और टीम वॉडर के प्लेयर्स ओवर उनका रोटेशन आर इफ आई एम नॉट रॉन्ग दे विल गो टू द स्टेट टू डबल बानास और इनका उनके बाकी तो मेंबर्स कहाँ पे वो चेकआउट कर लेते हैं लेकिन यहाँ पे टीम ओल्ड मोन्स की स्क्वाड यहीं पे तो शायद से यहाँ पे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे लेकिन उन्होंने जोर से फॉलो करते हैं पोरस वगैरह यहाँ पे जी उनके तरफ से जोर से कॉल आ चुका होगा और यहाँ पे पोरस के तरफ से उनको देखने मिल रहा है काफ़ी बेहतरीन रोटेशन एंड एजल रोटेशन की चेकआउट करते हैं कि रोटेशन से कहाँ पर एंट्री करें लेकिन इस वाले मैच के अपने जो बढ़ते दूसरे एयर ड्रॉप के अंदर इस वाले मैच के अंदर किसी ने प्लेयर ड्रॉप नहीं मंगाया तो प्लेयर ड्रॉप नहीं मंगाने के बदला तो इस वाले जो सर का एयर ड्रॉप है उसको एक्सेस करना वन ऑफ द बेस्ट लूट मिल सकता है तो यहाँ पे लेवल 3 लूटिटिस के एज वेल एज हमको ग्रोसा देखने मिल रहा है तो आपको पता है कि ग्रोसा वन ऑफ द बेस्ट वेपन है इन द एआर कैटेगरी तो सेम चेकआउट करते हैं उस वाले वेपन को कौन लेकिन जा पाता लेकिन टीम बॉट ऑफ गेम सी आर एक स्क्वाड की तरफ से बढ़ते हैं फिर जोन के बाहर से अपने प्लेयर कहाँ पे लेके जाते हुए यहाँ पे साला एंड प्रिंस फिलहाल के जोन के अंदर रोटेशन देते हैं लेकिन वाइपर कहाँ पे वाइपर यहाँ पे ऑलरेडी जोन के अंदर आ चुके थे काफ़ी ज़्यादा डीप डाउन सेंटर के अंदर होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे जोन के फेवर के उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़े क्योंकि हम जहाँ पे भी जाएंगे जोन तो उनके साथ ही रहेगा अगर इतने से सेंटर में हो तो और अपने प्लेयर का जरूर से वेट आउट करते हुए यहाँ पर डेनिस ऐसे जोर से आ चुके जी हाँ डेनी आ चुके हैं एज वेल एज उनके बाकी मेंबर्स फिर उनके जोन की वजह से बोला आप कहीं पर भी जाएंगे वहाँ पर भी जोन बनाए क्योंकि एक तरह से आप सेंटर में थे तो जोन बन चुके अपार्टमेंट्स की तरह एंड एज वेल एज शेल्टर का थोड़ा सा हिस्सा एंड एज वेल फार्म का मोस्ट ऑफ द हिस्सा मेरे को देखने को मिल जाता है उसको उनको रोटेशन देखने को मिल जाएगा टीम विटामिन एज वेल एज टीम वॉडॉग एंड एज वेल एज टीम रिपर्स की तरह से सिमिलर पाथ से हमको रोटेशन देखने को मिला टीम रिपर्स क्लोज से टीम वॉडॉग की स्क्वाड वगैरह रोटेशन दे रही एक तरह से कहीं पे रुकने का डिसीजन तो ले ही नहीं रहे लेकिन यहाँ पे टीम की वजह से क्लैश ऑन होता है टीम नंबर इटमैन की स्क्वाड पे फाइट एंगेज करते हैं जरूर से यहाँ पे तीन टीम वॉडॉग को जरूर स्पॉट आउट कर चुके हैं लेकिन यहाँ पे टीम एजेंट की स्क्वाड सिमिलर साइड से जो रोटेशन दे रही है फिलहाल के चारों स्क्वाड के काफ़ी ज़्यादा सिमिलर पैटर्न की तरह से रोटेशन और टीम रिपर्स के स्क्वाड पर रोटेशन देखने को मिल जी आखिरकार उनका भी रोटेशन आते हुए देखने को मिल रहा है लेकिन फिलहाल की फाइट में एंगेज नहीं कर रहे जी ने यहाँ पे अटला साइड से और यहाँ पे टीम नंबर 21 इफ आई एम नॉट रॉन्ग टीम नंबर 21 जी विटामिन की स्क्वाड है उनका भी उनके जो एक आध दो प्लेयर जो पीछे छोड़ गए थे तो उनको छोड़ के बाकी दो मेंबर्स फिलहाल के लिए अपने जोन के अंदर एक सेफ पोजीशन को ढूंढते हुए देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पे जब तक के लिए फाइट एंगेज हो रहा है तब तक के लिए बढ़ते हैं यहाँ पे जोन के बाहर से कौन कौन सी स्क्वाड एंट्री करते हैं टीम अश्वत्थामा टीम जेन टीम नंबर 90 जो कि सॉरी मैं टीम नंबर टीम अश्वत्थामा एंड यहाँ पे टीम जो कि टीम इम्यून के जो एकमात्र प्लेयर बच्चों के गॉड बेस्ट फिलहाल के साथ 1v1 फाइट ले जेंटा के साथ और भाई मैंडरिन को स्पॉट आउट करते हैं यहाँ पे हिटमैन रवि ने डॉक्टर ब्लैक डेविल को नॉकआउट करते फटाफट से बढ़ते इस वाले फाइट को चेकआउट करते हैं और हिटमैन के रवि भी यहाँ पे नॉकआउट करते हैं आरजे बोई में के साथ और बोई में पिक ऑफ कर चुके तो यहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे डॉक्टर ब्लैक डेविल का साथ साथ यहाँ पे पूरी स्क्वाड को हेलमेट कर चुके जी हाँ पूरी स्क्वाड को हेलमेट कर चुके भाई हिटमैन की स्क्वाड उनके विदाउट टेकिंग यानी सिंगल कर चुके हमें रवि को जरूर से नॉक देखने को मिला था लेकिन फिलहाल के उनको भी यहाँ पे रिवाइवल भी मिल जाएगा तो यहाँ पे हिटमैन के रविकर दो के सिंक साफ केस वन के जेन केस वहाँ पे वन के सिक्योर करते हैं यहाँ पे फटते फटाफट से वॉडॉग की स्क्वाड के अंदर अल्ट्रॉन के तरह से हमको वॉडॉग के पोरस एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे रोनिन को भी हम नॉक देखने मिल जाएगा हमें शैडो अगर अपने प्लेयर को हम रिवाइव देने को यहाँ पे शैडो भी बढ़ते शैडो का पर्सपेक्टिव क्या यहाँ पे पोरस का जोर से किल वगैरह सिक्योर हो जाएगा पार्क के सक्सेस के द्वारा जिया पोरस का किल सिक्योर हो जाएगा और फिलहाल के साथ अपने स्क्वाड के हम रियूनाइट होने के लिए बढ़ेंगे लेकिन टीम रिपर्स की स्क्वाड भी काफ़ी ज्यादा क्लोज है उन्होंने भी इस वाले प्लेयर का स्पॉट नहीं किया था और फिलहाल टीम लास्ट ईयर में यहाँ पे रियूनाइट होते हुए एक सिंगल कैजुअलिटी सिंगल किल सिक्योर करने के बाद और यहाँ पे चेकआउट करते टीम नंबर द लास्ट आर्मी के जिसमें बोला कि बाकी प्लेयर्स के तो यहाँ पे एक राइजन जट वगैरह शायद से काफी ज्यादा हेलो व्हाट इज दिस गोइंग ऑन 15 नंबर देख राइजन जट हेलो व्हाट इज दिस वॉचिंग ये आई थिंक सर से ग्लिच वगैरह या फिर इफ आई एम नॉट क्लियर बट टॉक्सिक क्या दिख रहा है तेरे को क्लियर दिख रहा है ना अरे मेरे में ग्लिच आउट हो रहा था मेरे को चलो कोई बात नहीं इस साल मैटर को लिए करते और फटाफट से बढ़ते टीम नंबर बीएम की तरह यहाँ पे जरूर से कुछ ना कुछ ग्लिच होता है आपको पता है बीजेएमआई के अंदर आपके ग्लिचेस की कमी नहीं होते तो एक तरह से एक और स्पेक्टेटर का ग्लिच हुआ था तो उसको उसके वजह से मेरे को ऐसा लगा हैक करते सचिन का मूवमेंट का हैक था लेकिन जी ने यहाँ पे स्पेक्टेटर ग्लिच था टीएनसी टॉक्सिक की तरह से जरूर से कन्फर्म हो चुका है कि वो एक तरह एक ही जगह प्रोंडा होते और अपने एक तरह से सेफ रखने के लिए घास के अंदर मूवमेंट वगैरह नहीं दे रहे थे तो यहाँ पे
यहाँ पर छोटे छोटे मोटे ग्लिचेस वगैरह होते हैं और यहाँ पे रोटेशन वगैरह चेक करते हैं सेल्टर के अंदर एंटर कर चुके टीम बीएम के और यहाँ पे टीम विटामिन की स्क्वाड पे चेकआउट करते हैं उनके पोजीशन वगैरह का एक तरह से इतने छोटे से जोन के अंदर कितने सारे स्क्वाड्स टोटल 15 स्क्वाड्स हम एंट्री कर चुके और अपना चौथा जोन आते हुए चौथा जोन चेकआउट करते हैं चौथा जोन काम बने अगर इस वाले मैच में चौथा जोन अगर स्कूल एंड सेल्टर के बीच में बने तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो सकते हैं लेकिन फिलहाल स्कूल में फार्म की तरफ बढ़ते हैं तो जैसे कि बोल सकते हैं हमें तीसरे एयरड्रॉप को फेवर देते हैं तीसरे एयरड्रॉप का कौन सा वेपन तीसरे एयरड्रॉप के नाम एमजी 3 टीम मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्लोज है सर से टीम मेरे पास इस वाले एयरड्रॉप को क्या एक्सेस कर पाते हैं चेकआउट करते हैं लेकिन गॉड के बीस्ट अभी सर कर जी अपने स्कॉड के लिए पोजिशन पॉइंट सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं गॉड के बीस्ट के द्वारा लेकिन अभी चेकआउट करते हैं अपने स्कॉड के लिए कौन से पोजिशन तक सिक्योर कर पाते हैं एज वेल एज कितने किल्स वगैरह ले पाते हैं अगर किल्स वगैरह लेंगे तो शायद से ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ जो टॉप फाइव के अंदर आते हैं उन्हीं को मतलब डिसेंट से प्लेसमेंट पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं और बाकी सारे टीम्स को उतना ज़्यादा प्लेसमेंट पॉइंट्स का फ़ायदा नहीं हो पाता तो जोर से किल वगैरह सिक्योर करेंगे तो आपको ओवरऑल रैंकिंग में जोर से अपर हैंड सिक्योर कर सकते हैं कि यहाँ पर बढ़ते हैं और उसके अंदर टीम और जोन के बारे में यहाँ पर कवन कसुंदर को भी हम नॉकआउट कर सकते हैं टीम को भी हम नॉकआउट कर चुके हैं उनके बाकी प्लेयर्स आ जाएंगे जरूर से उनको नॉक इन फिनिश करने की कोशिश यहाँ पे जी हाँ उनको हमें गाड़ी से कुचलने की कोशिश कर दिए जा रहे हैं और सिर्फ वजह एक बंदे सर्वाइव कर रहे हैं जी हाँ जी दो बंदे सर्वाइव कर रहे हैं इंडियन पाइथन एंड एज़ वेल नो निक नेम जी हाँ लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि जोन के बाहर क्यों जा रहे थे और जोन के बाहर क्यों फाइट में एंगेज करते शायद से उनको लगे कि वहाँ पे एक बंदा पर हमें टीम लोकी की तरफ से उनका रोटेशन आ रहा है चेकआउट करते हैं टीम लोकी कहाँ पे जाते टीम लोकी के यहाँ पे फिलहाल के लोकी फिलहाल के आई जी लिंग अपने प्लेयर के लिए स्काउटिंग करते हुए मेरे को देखने मिला टीम नंबर 15 के स्टेट टू जाते हुए क्या उनको यहाँ पे पता है फिलहाल के उस पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है इंडियन पाइथन के जो स्पॉटर के थे लेकिन फिलहाल के जो टीम लोकी खाते हैं वो फील्ड वगैरह मिस आउट होते हैं और यहाँ पे इंडियन पाइथन फिलहाल के सेम रोटेशन जाते देते हुए मेरे को देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे जोर से नॉन इंडियन जेएम पे बढ़ते फिलहाल के सेम पोजिशन में देश के एन टू एस के लेकिन हमें इंडियन पाइथन के जो स्पॉटर कर दिए जाएंगे भाई वॉडो के रोनिन के द्वारा तो यहाँ पे चेकआउट करते उनकी के पोजीशन और उनका किल वगैरह सिक्योर करते हैं भाई अनुष्का के द्वारा और यहाँ पे जैसे बोले उनका किल सिक्योर होते हुए तो हम बढ़ते हैं फिलहाल के टीम नंबर 15 के स्क्वाड के द्वारा जो कि टीम नंबर 15 के काफी ज्यादा क्लोज है टीम नंबर लोग यहाँ पे एजेंट कहा यहाँ पे विटामिन कैच को यहाँ पर नॉकआउट करते हैं टीम नंबर 15 जो कि द लास्ट आर्मी है तो उनके सामने टीम नंबर लोकी जैसे स्क्वाड है तो अपने लिए जोन के अंदर एंट्री करने के लिए क्या टीम लोकी के इस वाले स्क्वाड के साथ कंटेस्ट फिर टीम बीएम के स्क्वाड पे रशन करते हुए देखने मुझे फिर टीम बीएम को गोकू प्रो विद M2 फोन के साथ रशन करें क्या उनके सामने दो बंदे हमें डेडमैन एंड बीमैन दो बंदे उनका स्पॉट आउट नहीं कर पाए फिलहाल ग्रेनेड एंड एक टीम किस प्लेस से जरूर से नॉक आउट फिनिश होने के चांसेस है और हम पे बीमैक वगैरह अपना हील डाउन कर देंगे उनका किल वगैरह सिक्योर कर देंगे बट चिन्नू के द्वारा और अपने टीम बीएम के बाकी स्क्वाड बाकी सारे मेंबर से बढ़ते फिलहाल के एम आदन लोनू फिलहाल के प्रोंडा ने जरूर से इस वाले अपने स्क्वाड को यहाँ पे हेलमेट होने के लिए अपने स्क्वाड के मेंबर को यहाँ पे हेलमेट होने के छोड़ सकते और चिन्नू यहाँ पे नॉकआउट होते हुए देखने मिल जाएंगे चिन्नू को डायरेक्टली नॉक इन फिनिश कर चिन्नू को किल वगैरह सिक्योर हो चुके हैं और अपने चेकआउट करते हैं टीम लोकी है फिलहाल के जोन के अंदर एंट्री कर पाते हैं पिछले मैच में फोर्थ पोजिशन आ चुके हैं लेकिन इस वाले मैच में अपने को टॉप 5 के अंदर लेके आप चेकआउट चेकआउट करते हैं और यहाँ पे मॉस्को को यहाँ पे नॉकआउट कर चुके हैं टीम वॉडो स्कोर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव देखने मिली इस वाले मैच में क्योंकि अपने जहाँ प्लेयर्स मिले वहाँ पे फाइट में एंगेज करें क्योंकि उनको भी पता है कि उनका एक प्लेयर ऐसे हेलमेट हो चुका था अपने रोटेशन के बीच और सेम मेरे को देखने मिली इस वाले मैच के अंदर तो तब तक के लिए बढ़ते टीम नंबर 22 के प्लेयर के द्वारा वहाँ पे ब्लेस मैट्रिक्स की फोटो कर चुके हैं द्वारा ब्लेस के डेवलप पर नॉकआउट हो जाएंगे भाई जेनोस के द्वारा लेके हमें ब्लेस के पीएचडी ने जोर से पार्क कर नॉक सिक्योर करते हैं वहाँ पर राइजन जाते हैं डेडमैन को नॉक एंड फिनिश करते हैं जी हाँ टीम नंबर 22 की स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में तो नहीं लेकिन टीम ब्लेस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि उनको पता है कि उनके सारे के सारे टीममेट्स की पोजीशन वगैरह रिवील हो चुके हैं तो इस सारे मैच में अपने कौन से पोजीशन तक सिक्योर कर पाते हैं चेकआउट करते हैं लेकिन यहाँ पे टीम नंबर लोकी फ्रेम नॉट रहा यहाँ पर शायद हेलमेट हो चुके हैं नो निकले जिम भी फिलहाल के प्लेस के बारे में हेलमेट हो जाएगा बीएम के हेमत भी यहाँ पे नॉकआउट हो जाएंगे भाई अनुष्के के द्वारा टीम नंबर 22 जिसने बोला कि फिलहाल के पार्क को हमें रिवाइज के द्वारा से उठा लेने तो नहीं ले रहे लेकिन विटामिन के द्वारा अनुष्के के द्वारा नॉकआउट हो जाएंगे प्लेस के पीएचडी को वापस से नॉकआउट करते भाई तो फिलहाल काफ़ी बेहतरीन अपना कवर के बाहर खेलते हुए कवर के अंदर दे जिगल देते हुए और पार्क को जब से रिवाइज देने कोई से टीम बीएम के सक्सेस से पूरी की पूरी स्क्वाड में हेलमेट हो चुकी है जी हाँ टीम बीएम के स्क्वाड में हेलमेट हो चुकी है 12th पोजीशन एंड एजोरस हम एक और स्क्वाड में हेलमेट हो चुकी है फिर कोबरा के माइक पर कैप्टन जैक्स पर से एक तरह से फिर गाड़ी के थ्रू यहाँ पर नॉक इन फिनिश ऑफ करने की कोशिश यहाँ पे टीम नंबर 22 काफ़ी स्लो खेलते हुए मेरे को देखने मिले तो यहाँ पे फटाफट से बढ़ते टीम ब्लेस की तरह टीम ब्लेस के पीएचडी का जो यहाँ पे रिवाइज देते कोशिश
प्रोफेसर वगैरह जबकि टीम नंबर 21 के प्लेयर्स है, एक तरह से काफी मुश्किल नंबर, जैसे फिर एक बंदे सर है यहाँ पे विटामिन एच, पर उनके वो शायद से काफी दूर है, वहाँ पे ऋतु का किल वगैरह सिक्योर करने की छोड़ दी जाएंगे, टीम वॉडॉग स्क्वाड यहाँ पे जरूर से किल्स वगैरह सिक्योर करने की कोशिश, यहाँ पे टीम एजेंट को फटाफट से जोन के अंदर एंट्री करने की कोशिश करना पड़ा है, फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पे उन्होंने जरूर से एक प्लेयर को स्पॉट किया था, या फिर मेरे को ग्लिच की वजह से प्लेयर दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे टीम विटामिन एच की तरह से काफी बेहतरीन, मेरे को एक तरह से काफी स्लो एंड स्टेडी मेरे को जोन का मूवमेंट की तरफ पड़ते हुए देखने को मिल जा रहा है। अब एक पार्थ बढ़ते पार्थ का परिवार मिल जाएगा, यहाँ पे एडब्ल्यू का शॉट वगैरह रख के देखने को मिल सकता है कि नहीं, लेकिन ब्लेस के बी फॉर को यहाँ पे एक और बार नॉक कर चुका है, तो उसके बाद यहाँ पे जरूर से उनको यहाँ पे रिवाइव देते हुए देखने मिल जा रहा है, ब्लेस के फटाफट से या फिर प्लेजोन के बारे में हेलमेट होना पड़े, जिसके देखने मिले साथ प्लेजोन के बारे में हेलमेट होने के लिए ना देखें, यहाँ पे ब्लेस के पेस्ट भी यहाँ पे नॉक कर दिया, जनस की तरफ बी फॉर का खेल वगैरह भी सिक्योर करने की कोशिश, यहाँ पे सिर्फ एक बंदे बच जाएंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग ब्लेस के स्क्वाड के तरफ, तो बढ़ते ब्लेस के मैट्रिक्स पे, तो ब्लेस के मैट्रिक्स में डेवलप भी सर्व कर दिया, तो पेस्ट का खेल वगैरह सिक्योर करते हैं, प्लेजोन के बारे में एजेंट के गुरु नॉक कर देते हैं, अल्ट्रोन के खेल फिलहाल के लिए जोकर वगैरह सिक्योर करने की कोशिश, गॉड के बीच जो कि एकमात्र प्लेयर सर्व कर टीम इंडियन की तरफ से वो भी यहाँ पे हेलमेट हो जाएंगे एट द 11th पोजीशन पे, प्लेसमेंट पॉइंट पर शायद से एक पॉइंट वो जरूर सिक्योर कर चुके हैं और यहाँ पे, लेकिन फिलहाल के किल्स पॉइंट जरूर से पीछे रह चुके हैं, टीम नंबर 23 के प्लेयर को जरूर स्पॉट कर चुके हैं, टीम नंबर 23 जो कि टीम नंबर 8 मैन की स्क्वाड है वो फिलहाल के लिए इस वाले फाइट में काफी ज्यादा दूर से एंगेज कर रहे हैं, और यहाँ पे जेंटा कमी को नॉकआउट कर चुके हैं, डिपेंडेंट अंडर एजेंट का ग्रुप फिलहाल प्ले जोन पे ब्लेज प्लेस के डेवल में प्लेस से काफी सारे प्लेस प्लेस से मेरे को नॉक एंड फिनिश होते देखने मिले, और यहाँ पे बढ़ते टीम नंबर 22 के 310 की किड फिलहाल को नॉकआउट हो चुके, लेकिन उनका रिवाइव देते हुए देखने मिला फिलहाल के, और जो जोन के तो फेवर है जोन के फिर और भी किसी भी प्लेयर्स के सामने नहीं है, तो हम टीम ने ट्रीटमेंट के टोटल 4 किल सिक्योर हो चुके, लेकिन हमें काफी ज्यादा डैमेज देखने मिले, टीम नंबर रिपेयर्स पर टीम नंबर रिपेयर आखिरकार फाइट में एंगेज कर दी, और उनके टोटल 12 किल्स ऑलरेडी हो चुके हैं, आखिरकार उनको नॉक देखने को मिल जाएगा बट क्रेटोस के द्वारा, और क्रेटोस फटाफट से चेकआउट करके क्या उनको क्या नॉक एंड फिनिश कर पाते हैं एक ने, यहाँ पे हॉक के अर्सल को जरूर से हमें रिवाइव देते हुए देखने मिल रहा है भाई बैंको के द्वारा, और टीम नंबर 21 जो कि ऑलरेडी जोन के अंदर एंट्री कर चुके हैं, फिलहाल के टीम नंबर 13 को पुश को कैसे कैसे किस तरह से रोक पाते वो तो देखना जाएगा, लेकिन कैप्टन जैक्स पर फिलहाल के लिए काइजेलिक जो कि टीम काइजेलिक फिलहाल के अपने जोन के अंदर काफी बेहतरीन जगह होल्ड कर चुके, लेकिन टीम नंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग टीम नंबर अश्वत्थामा की स्क्वाड ने उनको स्पॉटर कर चुके और यहाँ पे पिक देने की कोशिश, लेकिन क्रेटोस ने राइसन के जैक्स को भी यहाँ पे नॉक आउट कर चुके, बट टीम रिपर्स आखिरकार जोन के अंदर एंट्री करने की कोशिश, यहाँ पे मैगडा वगैरह फिर से सेम पोजीशन लाइन में दे चुके, फिलहाल के अपने आपको स्मोक का कवर बना पड़ा, लेकिन स्मोक के कवर क्या ग्रेंड वगैरह एक तरह से रैंडम फायर देने की कोशिश, ऑफ के हर्सल को वापस नॉकआउट कर चुके, क्रेटोस एक तरह से बेहतरीन डीपी 200 का स्प्रे कंटिन्यू करते हैं, और डीपी 200 की स्प्रे से एक और बंदे नॉकआउट करते हैं, टीम नंबर 19 जो कि टीम अश्वत्थामा के बीच में टीम रिपर्स के एक बंदे नॉकआउट हो जाएंगे, सिर्फ से एक बंदे सर्व करते मैगना बैंक टोन डाउन हो चुके और अपने प्लेयर को रिवाइव देने की कोशिश तो नहीं कर पाए, टीम वॉट डॉग की तरफ बढ़ते यहाँ पे टीम अश्वत्थामा के एक प्लेयर अभी और रोनन को भी हम नॉक कर दी जाएंगे सीनियर के देवल के द्वारा, और अब सीनियर के देवल से ऐसे प्ले जोन के बारे में कोई बात नहीं, टीम नंबर 19 अपने आपको स्मोक कर बनाने की कोशिश, मुझे फाइव टीम्स अलग है और फाइव टीम्स फटाफट जोन के अंदर एंट्री करने के चेकआउट करते हैं, टीम नंबर 8 की स्क्वाड कितने होने अलग है, यहाँ पे कूल बैक का सिक्योर होते हैं, जोनस की तरह मॉली से यहाँ पे एक बंदे नॉकआउट होते हैं, पार्क के फिलहाल के लिए ब्लेस के मैट्रिक्स के द्वारा नॉक एंड फिनिश करते हैं, क्रेटोस वगैरह भी नॉकआउट होते हैं, 310 की किड भी यहाँ पे नॉकआउट होते हैं, तो काफी ज्यादा मुश्किलें पड़ती है, लेकिन मेरे आखिरकार इस वाले टीम को कोई रोक पाने की कोशिश करें, क्योंकि उनके ऑलरेडी 7 किलो चुका है, क्रेटोस जो कि ऑन द रैंप से टोटल 5 किलो सिक्योर कर चुके हैं, और अब आखिरकार उनको शट डाउन कर दिया जाएगा 8 मैन रवि के द्वारा, और टीम 8 मैन काफी स्ट्रॉन्ग है, टीम नंबर 5 स्क्वाड्स अलग है, लेकिन जो 5 स्क्वाड काफी ज्यादा 5 मैन करते ब्लेस के मैट्रिक्स अभी सर्व करें 16 मैच रनिंग फटाफट उनको जोन के अंदर साइज उनको एंट्री करने के लिए नहीं सोच सकते, उनको सिर्फ किल्स पॉइंट पर ध्यान देना पड़ा, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा किल्स उन्होंने प्लेस ऑन पॉइंट में एक तरह से उनका जो काम वगैरह निभाते और अपने जरूर से टॉप 8 की तरफ बढ़ने की पूरी पूरी कोशिश कर, लेकिन फिलहाल स्मोक के साथ से एंट्री करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने किल्स वाले पॉइंट को ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन C9 के डेवल फिलहाल अभी भी सेम ट्री के अंदर होल्ड करें, जेनस वगैरह सेम ट्री के अंदर होल्ड करें, एंडाइजर मैगना की बैंकों की तरफ से लगातार स्मोक्स के वजह से फिलहाल के अपने को होल्ड करते हुए देखने मिल जा रहे, तो काफी देर से सर्वे कर, लेकिन टीम ने इसमें जरूर से आते जी उनको स्पॉट आउट करने की कोशिश, जेन आखिरकार अपनी टीम से रीयूनाइट हो चुके हैं, और ब्लेस के मैट्रिक्स से जरूर से कवर फायर दिया था, लेकिन सीन के डेविल ने भी सेम तरह से फायरिंग देने की कोशिश, लेकिन बीसीजी के जेनस ने स्पॉट आउट कर और उनको डायरेक्टली नॉक एंड फिनिश आउट कर दिया जाएंगे, और सीन के डेविल हेलमेट हो जाएंगे अपने स्पॉट पर जरूर
जोर से फिफ्थ पोजीशन सिक्योर करते हैं। देश के मैट्रिक्स को फटाफट से जोन के अंदर आना पड़ेगा, लेकिन जोन के बाहर से शायद एक आखिरी एल्सकेट वगैरह पॉप इन करके आएंगे, लेकिन ये जो टाइम का डिफरेंस चेकआउट करते हैं जोन के अंदर एंट्री कर पाते हैं एक की नहीं, और देश के मैट्रिक्स जोन से एक बंदे को नॉक इन नॉकआउट करने की कोशिश, लेकिन बीटमैन करके की तरफ से उनको नॉक इन शॉक कर दिए जाएंगे। तो फिर सिर्फ दो टीम दो प्लेयर्स बचे जो कि सोलो सोलो वैसे स्टैंडिंग कवर के बीच अभी सिक्योर, लेकिन फिलहाल के अपने को 1 एचपी के अंदर होल्ड करते हुए देखने मिल जाएगा। लेकिन यहां पे टीम हिटमैन स्क्वाड जरूर से अपने खाते में किल्स वगैरह सिक्योर करते हैं, जी हाँ उस पर उनको भी हेलमेट कर दिए टीम रिपर्स अपने को जब थर्ड पोजिशन हेलमेट कर दिया जाएंगे। लेकिन अपने जो किल्स पॉइंट है काफी ज्यादा बेहतरीन खेलने का जो साइज इस वाले मैच के सेकंड पोजिशन भी सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टीम नंबर 22 की क्या ही बात करें, अपने कितने सारे स्क्वाड के फाइट में गेस करने के बाद अपने को टॉप टू में लेके आ चुके हैं। अभी जेनोस अपने स्क्वाड के लिए अभी सर्वे करते देखने मिले क्या अपने स्क्वाड के लिए क्या ये वाले प्लेयर के 1v3 कर पाते हैं, या फिर क्या टीम हिटमैन के खाते में एक इजी किल देने की वजह से शायद सेकंड पोजिशन में हेलमेट हो पाएगी। और यहाँ पे तो सेम मेरे को देखने मिले फिलहाल मॉली वगैरह करने की कोशिश, यहाँ पे यूटिलिटीज के द्वारा सारे के सारे एरिया क्लियर करते हो और अपने आपको हील करने की कोशिश, अपने सारे के सारे जितने भी सारे बूस्टर्स उसको सबके से फुल कर देंगे तो शायद से बेटर होगा। लेकिन अपने हेल्थ किट वगैरह यूज़ करते हुए देखने मिल जाएगा। लास्ट मोमेंट उनको पता है कि काफ़ी ज़्यादा हेल्थ किट्स उपयोग में तो नहीं आएंगे, लेकिन फिलहाल जोन के अंदर एंट्री तो उनके ऑलरेडी जोन के अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो अभी सेम उसी के डिसीजन के मुताबिक शायद से वो थोड़ा सा होल्ड कर दिया देखने टीम हिटमैन की स्क्वाड एक तरह सारे जितने सारे एंगल हो सके उतने सारे एंगल क्लियर करने की कोशिश, और ग्रेनेड्स के स्पैम की वजह से शायद से एक्सपेक्ट कर रहे कोई ना कोई से जो आखिरी बंदा है वो उनको यहाँ पर हेलमेट होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन टीम हिटमैन को फटाफट से शायद जोन के अंदर आना पड़ेगा, उनके सारे किसी मेंबर जोन के अंदर नहीं, और अब अपने एक ईजी चेकने वगैरह सिक्योर करने की कोशिश। लेकिन हम हिटमैन रवि की तरह से बेहतरीन मॉल आ जाएगा डायरेक्टली हम जेनोस पे आ जाएगा, और अब जेनोस हम मॉली से हम नॉक इन फेस ऑफ हो जाएंगे। यहाँ पे जो मॉली देखते हैं परफेक्ट पिक्सल परफेक्ट था क्योंकि उनको पोजिशन वगैरह नहीं पता थे फिर जेनोस के, लेकिन फिर भी इतना परफेक्ट नेट कैसे परफेक्ट मॉली कैसे ये तो नहीं पता। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर टीम हिटमैन ने एक इजी चिकन सिक्योर करते हुए टोटल 10 फिनिश किया, यहाँ पे हिटमैन के रवि फोर्थ फिनिश सिक्योर करते हुए। तो आज के मैच के तो अपने आज के मैच के डेट सेमीफाइनल डे टू के सेकंड मैच के अंदर टीम हिटमैन के स्क्वाड ने अपने एक इजी चिकन सिक्योर करते हुए तो अपने सेकंड पोजिशन आ चुकी है टीम जेनोस भी टोटल 9 फिनिशेस, यहाँ पे थर्ड पोजिशन सिक्योर करते हैं भाई टीम रिपर्स भी टोटल 12 फिनिशेस। तो यहाँ पे फोर्थ पोजिशन आ चुके टीम ब्लेज भी टोटल 2 फिनिशर, फिफ्थ पोजिशन आ चुके टीम अश्वत्थामा भी टोटल 5 फिनिशर, सिक्स पोजिशन आ चुके टीम वॉडॉग भी टोटल 7 फिनिशर्स, यहाँ पे सेवन पोजिशन आ चुके टीम एजेंट भी टोटल 1 फिनिशर, एट्थ पे आ चुकी है टीम द लास्ट आर्मी भी टोटल 6 फिनिशर, नाइन्थ में आ चुकी है टीम बॉट ऑफ KMCRI भी टोटल 0 फिनिशर, एंड 10th पोजिशन सिक्योरिटी बाई टीम विटामिन भी टोटल 1 फिनिशर, एंड पे 11th पोजिशन पे आ चुकी है टीम इम्यून विद 1 फिनिशर, 12th पे आ चुकी है टीम ओल्ड मास विद 0 फिनिशर, 13 बाद चुके टीम बीएम विद टोटल 3 फिनिशर, 14 बाद चुके टीम इलीट वॉरियर्स विद टोटल 0 फिनिशर, 15 बाद चुके टीम लोकी विद 1 फिनिशर, 16 पोजीशन सिक्योर करती हुई बाय टीम स्ट्रॉयड्स या टीम स्ट्रॉयड विद टोटल 0 फिनिशर, एंड 17 पोजीशन सिक्योर करती है बाय टीम मैड मैक्स विद टोटल 0 फिनिशर। तो आज के सो आपको जितने भी बंदे देख रहे हैं अगर आपको हमारे ये वाला जो स्ट्रीम अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, एंड जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो यहाँ पे अपने जो सेकेंड मैच यहाँ पे कंप्लीट होते हुए अगर आप में से जिस भी टीम को सपोर्ट करते हैं वो अपने तो जरूर से उस वाले टीम को कमेंट सेक्शन में जरूर से मैंशन कर देना, क्योंकि आपको पता है कि अपना जो सेमीफाइनल के डे टू का आखिरी मैच अभी कुछ देर में स्टार्ट होने वाला है, अगर आप उस वाले टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर से आपके जो फीलिंग्स वगैरह आप जरूर से उनको बता सकते हैं। अंदर आपके मुताबिक आपने जो स्क्वाड है क्या वो टॉप एट पर क्या क्वालिफाई हो पा रही है कि नहीं जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। तो मैम सो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि अपना जो डे टू का मैच अभी कंप्लीट हो चुका है और जो डे थ्री के मैच की तरफ बढ़ेंगे जो कि वो कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगा और उसका जो लिंक वगैरह है वो आपको एंड स्ट्रीम में दे देंगे, तो आप जरूर से चेकआउट करना। और एंड एज वेल एज आप इस वाले सेमीफाइनल का डे वन का जो पार्ट वन है वो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, तो जरूर से चेकआउट करना मत भूलना अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो, क्योंकि आपको पता है कि वो मेरा मार वाला मैप है। अगर आप कोई भी अगर स्नाइपर लवर है तो जरूर से वो वाला मैच को चेकआउट कर लेना, क्योंकि आपको भी पता है कि स्नाइपिंग वाली मैप है पूरी की पूरी, तो स्नाइपिंग जरूर से होंगे तो उसको जरूर से चेकआउट करना मत भूलना। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए तो स्ट्रीम एंड होते हुए और हम आपको कुछ ही देर में हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में वापस से मिलेंगे।